ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो इंसान नहीं एक पिग है, और ये सब हुआ है एक श्राप के कारण जो 5 पीढ़ियों पहले उन्हें मिला था। इस मूवी का नाम है पेनेलोपी। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक रॉयल फैमिली को देखते हैं जिन्हें विलेन बुलाया जाता है, और विलेन फैमिली के एक मेंबर राल्फ को उन्हीं की सर्वेंट क्लारा से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। लेकिन जब वो अपनी शादी की बात करने के लिए अपनी फैमिली के पास जाता है तो सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि वो एक बेवकूफ है क्योंकि वो एक नौकरानी से शादी करने जा रहा था, और इसीलिए राल्फ किसी और से शादी कर लेता है। और उसके दुख में क्लारा अपनी जान दे देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और जब ये बात क्लारा की माँ को पता चलती है जो कि एक विच थी, तो वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए विलेन फैमिली को एक कर्ज देती है। यदि विलेन फैमिली में कोई भी लड़की हुई उसे भी रिजेक्शन और पेन का सामना करना पड़ेगा और उसका चेहरा पिग की तरह होगा, और ये कर्ज तब तक नहीं टूटेगा जब तक उसे इसी तरह से कोई एक्सेप्ट न कर ले। अब समय बीतता है और 5 जनरेशन तक विलेन फैमिली में सिर्फ लड़के ही होते हैं, लेकिन 6th जनरेशन में उनके यहाँ एक लड़की पेनेलोपी का जन्म होता है, जिसे देखकर उसकी माँ जेसिका बहुत तेज चिल्लाने लगती है क्योंकि कर्ज के मुताबिक उसका चेहरा एक पिग की तरह था। अब उसका हस्बैंड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझती। वो कहती है कि वो अपनी बेटी की सर्जरी करवाएगी, लेकिन डॉक्टर एक्सरे देखकर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें पेनेलोपी की जान भी जा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ मीडिया में ये बात फैल जाती है कि विलेन फैमिली में एक ऐसी लड़की पैदा हुई है जिसका फेस एक पिक की तरह है, और इसी न्यूज़ के चलते इनके घर में एक रिपोर्टर घुस जाता है क्योंकि वो पेनेलोपी की फ़ोटो लेना चाहता था, इसीलिए वो छुपके से उनके घर में घुस जाता है। लेकिन जेसिका उसे देख लेती है और उसके हाथ में कैमरा देखकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे उस रिपोर्टर की आंख फूट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। अब जेसिका इस बात से मीडिया से काफी डर जाती है और उन्हें पेनेलोपी से दूर रखने के लिए उसकी फैमिली उसकी फेक डेथ का नाटक करते हैं। अब पेनेलोपी को घर में रखा जाता है और वहीं पर वो अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करती है, और यहाँ पर जेसिका पेनेलोपी का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी ताकि उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो सके। अब पेनेलोपी के 18 साल के होने पर जेसिका एक मैरिज ब्रोकर को बुलाती है जो पेनेलोपी के लिए रिश्ता लाती है, लेकिन पेनेलोपी का फेस देखकर हर लड़का भाग जाता है। अब 7 साल तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जो भी लड़का उसे देखने के लिए आता था उसे जाते वक्त एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता था जिसमें वो पेनेलोपी की अपीयरेंस के बारे में किसी से भी बात नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे एक बिगड़ा हुआ लड़का देखने के लिए आता है जिसका नाम एडवर्ड होता है, और वो यहाँ पर पेनेलोपी को देखने के बाद यहाँ से भाग जाता है और एग्रीमेंट पर साइन नहीं करता, और पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की कंप्लेंट करता है। कहता है कि विलेन फैमिली में एक इंसानी पिग है जो मुझे जिंदा खाने वाला था, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे एक रात के लिए जेल में डाल देती है। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपी होती है कि एडवर्ड का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो एक पागलों जैसी बातें कर रहा है क्योंकि वो किसी इंसानी पिग की बात करता है। अब एडवर्ड इस न्यूज को पढ़कर बहुत ज्यादा बौखला जाता है और इस न्यूज रिपोर्टर के पास जाता है क्योंकि उसके मुताबिक वो सिटी का होने वाला मेयर है, और इस न्यूज के बाद पता नहीं उसके फादर उसके साथ क्या करेंगे। वो पागल नहीं है और उसने सच में एक पिग की शक्ल वाली लड़की को देखा है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। और जब उसे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से निकालने लगते हैं तो उसकी आवाज लेमोन सुन लेता है, और लेमोन वही आदमी होता है जिसकी आंख बहुत साल पहले पेनेलोपी के मोम ने फोड़ दी थी, और अब ये दोनों एक टीम बन जाते हैं। इसीलिए रिपोर्टर एक कैसीनो में जाता है जहाँ वो गैम्बलर से मिलता है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसकी गैम्बलिंग की आदत के कारण अब क्योंकि मैक्स को यहाँ पर पैसों की भी जरूरत होती है तो इस काम के लिए मान जाता है। अब रिपोर्टर मैक्स को एक कोड देता है जिसमें कैमरा फिक्स था ताकि वो पेनेलोपी की फोटो ले पाए। वो उसे बताता है कि मैक्स जब भी अपना हाथ उठाएगा तो एक फोटो क्लिक होगी, जिसके बाद मैक्स उस मेंशन के अंदर जाता है और वहां पर और भी कई सारे लड़के पेनेलोपी को देखने के लिए आए होते हैं। अब वो मैरिज ब्रोकर मैक्स के साथ सभी लड़कों को वहां पर बिठा देती है। इसी बीच मैक्स सोफे के पीछे छुपकर कैमरे की पोजीशन को ठीक करने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ जेसिका के कहने पर पेनेलोपी उस रूम के अंदर आती है, और जैसे ही में सभी लड़के पेनेलोपी को देखते हैं हर बार की तरह ये लड़के भी यहाँ से भाग जाते हैं। अब पेनेलोपी वापस अपने रूम में जाती है और उसके रूम में एक 1-वे मिरर था जिसमें से वो बाहर मैक्स को देखती है। अब यहाँ पर पेनेलोपी को लगता है कि मैक्स ने उसे देख लिया था और उसे देखकर वो यहाँ से भागा नहीं था। अब मैक्स यहाँ पर पेनेलोपी की एक बुक को उठा लेता है जो उसकी फेवरेट बुक होती है। पेनेलोपी को यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो इस बुक को चुरा रहा है, इसीलिए वो उसे एक बुक की कॉपी ऑफर करती है जिससे उसे घर ले जा सके, और वो मैक्स से 1-वे मिरर के थ्रू ही बात कर रही होती है। और कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से जाने का नाटक करती है। मैक्स भी यहाँ से बुक ले जाने का नाटक करता है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन था कि अब भी पेनेलोपी उसे देख रही है, और होता भी ऐसा ही है। और अब पेनेलोपी उसे कल दोबारा आने के लिए इनवाइट करती है, और ये देखकर जेसिका खुशी से रो पड़ती है क्योंकि फाइनली एक लड़का है जो पेनेलोपी को देखकर नहीं भागा और उससे बात भी की। अब जब मैक्स बाहर आता है
तो एडवर्ड और रिपोर्टर उससे फ़ोटो के लिए पूछते हैं और उसने मुझे कल फिर से इन्वाइट किया है। अब नेक्स्ट डे मैक्स फिर से उस मैंशन में जाता है और उसी मिरर के थ्रू पेनेलोपी से बात करता है। वो उसके लिए गाना परफॉर्म करता है और उसके साथ चेस भी खेलता है। अब बातों बातों में मैक्स पेनेलोपी से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन पेनेलोपी बात को टाल देती है। अब नेक्स्ट डे जब मैक्स पेनेलोपी से मिलने जाता है, वो उसके लिए पियानो प्ले करता है, लेकिन वो ठीक से न प्ले करने का नाटक करता है, जिसे पेनेलोपी उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगती है और फिर खुद बाहर आकर उसे सिखाती है। अब मैक्स उसे देखकर एकदम से चौंक जाता है, लेकिन वो और लड़कों की तरह यहाँ से नहीं भागता। मैक्स अब पेनेलोपी की नोज को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी उसके कोट में लगे कैमरे से फोटो क्लिक हो जाती है और मैक्स एकदम से शिट बोलता है। और अब पेनेलोपी को यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसने उसे देखकर ऐसा कहा है, इसीलिए पेनेलोपी रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। अब मैक्स यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि पेनेलोपी उससे बात नहीं करना चाहती, और इसीलिए मैक्स अब यहाँ से चला जाता है। जेसिका और वो ब्रोकर उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर मैक्स को रिपोर्टर से बात करते हुए देख लेते हैं। और अब जेसिका समझ जाती है कि मैक्स रिपोर्टर का आदमी है जो पेनेलोपी की फ़ोटो लेने आया था, लेकिन मैक्स कैमरा रिपोर्टर को ना देकर उसे तोड़ देता है और वापस पेनेलोपी के पास जाकर कहता है कि वो कोई जासूस नहीं है। अब पेनेलोपी यहाँ पर कहती है कि उसके ऊपर एक कर्ज है और अगर मैक्स उससे शादी कर लेगा तो वो कर्ज खत्म हो जाएगा, और अगर फिर भी ये कर्ज नहीं टूटा तो पेनेलोपी अपनी जान खुद ले लेगी। लेकिन मैक्स पेनेलोपी से शादी करने के लिए मना कर देता है और अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, इसीलिए वो अपने मैंशन से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर पेनेलोपी के लिए दुनिया बिल्कुल एक नई दुनिया थी, क्योंकि आज तक उसने अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक मैंशन में बिताई है, और वो इस नई दुनिया को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे यहाँ पर कोई परेशानी भी नहीं होती है क्योंकि उसने अपने मुंह पर मास्क पहन रखा होता है। और वहीं दूसरी तरफ पेनेलोपी की मदर बहुत ज़्यादा दुखी होती है पेनेलोपी के जाने से, लेकिन तभी पेनेलोपी का फ़ोन आता है और वो अपनी मॉम को गुड बाय कहती है, जिसके बाद वो एक होटल में जाती है और एक रूम रेंट पर लेती है और अपने मॉम के क्रेडिट कार्ड का यूज़ करती है। और वहीं मैक्स पेनेलोपी के साथ बीते पलों को याद कर रहा होता है। और अब रिपोर्टर को भी ये बात पता चल जाती है कि पेनेलोपी अपने घर से भाग चुकी है, और वो एडवर्ड के साथ जाकर पेनेलोपी का स्केच बनवाता है ताकि वो उसे इनाम के साथ पेपर में छपवा सके, मतलब जिस किसी को भी पेनेलोपी मिलेगी उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन एडवर्ड पेनेलोपी के फेस से इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो उसका खतरनाक चेहरा बनवा देता है। अब पेनेलोपी अपने फ़ोटो को अखबार में देखकर ही डिसाइड करती है कि वो न्यूज़ रिपोर्टर को अपना फ़ोटो खुद देगी। वो रिपोर्टर को कॉल करती है और इनाम के बदले अपनी फ़ोटो से देने के लिए कहती है। पेनेलोपी एक फ़ोटो कैप्चर बूथ में जाकर अपना फ़ोटो निकाल लेती है और रिपोर्टर को दे देती है। अब जब रिपोर्टर उसका फेस देखता है तो उसे यहाँ पर गिल्ट होता है कि एडवर्ड का बनाया गया स्केच बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, रियलिटी में पेनेलोपी इतनी खतरनाक नहीं दिखती है। अब मैक्स भी जब पेनेलोपी की इस फोटो को देखता है तो इससे इंस्पायर होता है और गैम्बलिंग के रास्ते को छोड़कर पियानो बजाने का काम शुरू कर देता है। और वहीं पेनेलोपी एक बार में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम एनी होता है। अब एनी बातों ही बातों में पेनेलोपी को बताती है कि उसके कान बहुत अजीब हैं, पर उन्हें दिखाने से नहीं डरती क्योंकि वो पेनेलोपी नहीं है, क्योंकि एनी ने भी पेनेलोपी की न्यूज़ अखबार में पढ़ी थी। अब पेनेलोपी इस बात से इम्प्रेस होकर एनी के साथ पूरा शहर घूमती है और ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाती हैं। वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन रास्ते में जेसिका पेनेलोपी को ढूंढते हुए उसे मिल जाती है। लेकिन पेनेलोपी अपनी मॉम से पीछे छुड़ाते हुए एक बार में पहुंच जाती है जहां वो तुरंत बेहोश हो जाती है, और अब एनी उसका मास्क हटा देती है, जिसके बाद उन्हें पेनेलोपी की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। अब जेसिका उसे घर लाती है, लेकिन उनके घर के बाहर मीडिया और पब्लिक की काफी भीड़ थी, और अब पेनेलोपी बिना मास्क और स्कार्फ के उनके सामने आती है और उनके हर सवाल का जवाब देती है, और पेनेलोपी के इस अंदाज को पब्लिक काफी पसंद करती है। और अब बिना किसी की रोक टोक के पेनेलोपी एनी के साथ घूमने जाती है। जब मीडिया इस बारे में एडवर्ड से पूछती है तो वह कहता है कि उसे केज में होना चाहिए, लेकिन अब एडवर्ड के फादर एडवर्ड को पेनेलोपी से शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि सारी पब्लिक पेनेलोपी के साथ थी, क्योंकि वो पेनेलोपी का फायदा उठाकर मेयर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले एडवर्ड ने पेनेलोपी की गलत छवि को पेश किया था, लेकिन अब लोग पेनेलोपी को पसंद करते हैं और उसके साथ हैं, और अगर एडवर्ड पेनेलोपी से शादी कर लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एडवर्ड यहाँ पर अपने फादर को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने फादर के प्रेशर में शादी के लिए हाँ कर देता है। और वहीं पेनेलोपी एक बार में जाती है जहाँ फिर से उसे मैक्स मिलता है, और मैक्स उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही पेनेलोपी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एडवर्ड पेनेलोपी के रिश्ते के लिए उसके घर जाता है, जिससे जेसिका बहुत खुश होती है, लेकिन पेनेलोपी शादी के लिए मना कर देती है। लेकिन फिर भी जेसिका उसे शादी के लिए मना लेती है। और वहीं रिपोर्टर को भी ये बात पता चलती है जो आदमी उसे बार में मिला था वो मैक्स नहीं था,
और अब जॉनी पेनेलोपी की पार्टी में जाता है जहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि एडवर्ड सही आदमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड जॉनी को यहाँ से ले जाता है और वो जॉनी से कहता है कि मैं फाइनली उससे शादी कर रहा हूँ क्योंकि कोई उससे और शादी नहीं कर रहा है और अब अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसे बहुत दुख होगा और उसका कर्ज नहीं टूटेगा। और ऐसी बातें सुनकर जॉनी यहाँ से चला जाता है। अब रिपोर्टर जॉनी से मिलने आता है क्योंकि उसे भी पता होता है कि जॉनी उसे पसंद करता है। लेकिन जॉनी यहाँ पर उसे कहता है कि वो पेनेलोपी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लू ब्लड नहीं है जिससे पेनेलोपी का कर्ज टूटे क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करती। अब रिपोर्टर जब पेनेलोपी की वेडिंग में जाता है तो वो जेसिका और ब्रोकर को जॉनी के बारे में बताता है और अब ये यहाँ पर पेनेलोपी को ये बातें बताने की सोचती है क्योंकि शायद इसी वजह से पेनेलोपी को उसने शादी के लिए मना किया था क्योंकि वो ब्लू ब्लड नहीं है। लेकिन जेसिका ब्रोकर को कुछ भी ना बताने के लिए कहती है। इधर मेन टाइम पर पेनेलोपी शादी करने से मना कर देती है और वहां से भाग जाती है क्योंकि वो कर्ज तोड़ने के लिए किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसे वो प्यार नहीं करती। अब पेनेलोपी यहाँ पर कहती है कि वो जैसी भी है खुद को पसंद करती है और ये कहते ही पेनेलोपी बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसका पूरा फेस ठीक हो चुका है और यही उस विच के शराब का तोड़ था कि आप जैसे भी हो अपने आप को वैसे ही पसंद करो। और अब 25 साल बाद उनका बटलर जॉब छोड़ देता है क्योंकि वो और कोई नहीं बूढ़ी विच थी जो उन पर नजर रखे हुई थी। अब काफी टाइम गुजर जाता है और पेनेलोपी बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही होती है और अब हेलोवीन वाले दिन पेनेलोपी को वो फाइल मिलती है जो रिपोर्टर यहाँ पर लाया था और अब पेनेलोपी जॉनी से मिलने जाती है जहाँ पर हेलोवीन पार्टी में सभी ने पेनेलोपी के फेस मास्क को पहन रखा था। तब पेनेलोपी एक मास्क को पहन लेती है और जॉनी के पास जाती है। अब जॉनी उसे यहाँ पर नहीं पहचान पाता पर बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि ये पेनेलोपी है। अब जॉनी के मुँह से सच सुनकर पेनेलोपी यहाँ से जाने लगती है। तब जॉनी उसे किस करता है और अपने प्यार का इजहार करता है और वो उससे माफ़ी भी मांगता है क्योंकि उसके पास कर्ज तोड़ने की पावर नहीं थी। तभी पेनेलोपी अपना मास्क उतार कर कहती है ये पावर हमेशा से मेरे पास थी और ये मैंने कर लिया। ये स्टोरी पेनेलोपी बच्चों को सुनाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम जैसे भी हैं हमें वैसे में खुश रहना चाहिए, मतलब हमारे पास जो भी है हमें उसमें संतोष करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पेनेलोपी मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।